नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलडाना की, जहां कृषि उपज बाजार समिति मलकापुर के अध्यक्ष शिवचंद्र ताइड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा के दो गुट आए आमने सामने। आगे बात होगी जालना की, जहाँ नाना पटोले ने जालना जिले के सूखा प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। अंत में बात होगी रामपुर की, जहां आजम खान की पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीम फातिमा मीडिया से हुई मुखातिब। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा से है, जहां बता दें कि मलकापुर विधानसभा क्षेत्र में दो गुट भाजपाइयों के आमने सामने आने से माहौल गर्म हो गया। बीजेपी के पूर्व विधायक छैनसुख संचेती ने बीजेपी के ही मार्केट कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आज जब इस प्रस्ताव पर कृषि उपज बाजार समिति के सभाकक्ष में वोटिंग हुई, तो बीजेपी के दोनों गुट शिवचंद्र ताइड़े और चैनसुख संचेती आमने सामने आ गए और वहां जमकर हंगामा हुआ, जिसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उन्हें तितर बितर कर दिया। जैसे ही समूह आमने सामने आया, जोर से चीख पुकार मच गई। आखिर अविश्वास ठहराव मंजूर कर शिवचंद्र ताइड़े को सभापति पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र बुलढाणा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां आज 31 मई 2024 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मराठवाड़ा के बीच छत्रपति संभाजीनगर जालना जिले के सूखाग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस बार वो जालना जिले के अंबड़ बदनापुर इलाके में मौसमी उत्पादकों और फल किसानों के खेत बगानों में गए और पानी की कमी के कारण सूखे और जलने से पीड़ित मौसमी के बागों का निरीक्षण किया। किसान राजा इस समय भूखा मर रहा है, साथ ही किसानों की गाय और मवेशियों के लिए पीने का पानी और चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए किसान पूरी तरीके से संकट में हैं। वो इस मामले पर आयुक्त छत्रपति संभाजी नगर से मुलाकात करेंगे और इस मामले की समीक्षा करेंगे। नाना पटोले ने मांग की है कि सरकार इस सूखाग्रस्त प्रभावित इलाके के किसानों के लिए कुछ कदम उठाए। आइए जानते हैं इस विषय में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नाना पटोले ने आगे और क्या कुछ कहा। शेतकऱ्यांचे प्रश्न भयावह आहेत, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तेवढाच भयावह आहे आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न भयावह आहे। त्याचप्रमाणे नवीन हंगामाच्या बियाणाचाही प्रश्न तेवढाच अरेणीवर आलेला आहे। हे सगळे प्रश्न पाहिलेत की शेतकरी आणि सामान्य माणूस ज्याला 15-15 दिवस पिण्याचं पाणी मिळत नसेल तर त्या लोकांनी जगायचं कसं। मुख्यमंत्र्याला फोन लावला तो ते नॉट रिचेबल, मंत्र्यांना फोन लावले तर ते नॉट रिचेबल, मंत्री गेलेत विदेशात, मुख्यमंत्री गेलेत सुट्टी मनवायला। सरकार असं चालत नाही, जनता उपाशी आणि सरकार तुपाशी, ही जी काही परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाने एक भूमिका घेतली आणि स्वतः या भर उन्हामध्ये जनतेपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणं, त्यांचं दुःख समजून घेणं आणि त्याला धीर देणं आणि त्यांच्यासाठी न्यायाची लढाई लढणं। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बाला बेहट में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती शोभा यात्रा आयोजित की गई। बाला बेहट देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्री लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर परिसर में भव्य रूप से मनाई गई, जिसका शुभारंभ दीप जलाकर छोटी छोटी बच्चियों द्वारा अहिल्याबाई होलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित करके मनाया गया। हीरालाल प्रजापति ने कहा कि 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चांडी गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। उनके पिता मनकोजी शिंदे धनगर परिवार के वंशज थे और गाँव के पाटिल थे। अहिल्याबाई एक ऐसी भारतीय नारी थी जिसने न सिर्फ समाज सुधार बल्कि राजनीति और रणभूमि में भी गौरव हासिल किया। ये कहानी है मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्हें आज भी मराठा लोग राजमाता कहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी राजपाल सिंह पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहाँ लंबे समय से जेल में बंद आजम खां की पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीम फातिमा की रिहाई के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जब एक मीडियाकर्मी ने उनसे चुनाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम मुकदमे में फंसे हुए हैं, चुनाव पर ध्यान नहीं है, तो आप चुनाव से संबंधित सवाल मत कीजिए। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल जो आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में आप किस नजर से देखती है चुनाव? देखिए, अभी तो हमने चुनाव पर नजर डाली ही नहीं है,
अभी तो हम अपने मुकदमों में घिरे हुए, तो आप हमसे मुकदमों पर पूछे, चुनाव पर पूछे ही मत। अच्छा, कल आजम खान साहब को एक मामले में सजा हुई है 10 साल की और 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट की तरफ से, तो क्या लगता है आपको? और भी अभी कई मुकदमे हैं, लड़ाई क्या लंबी चलने वाली है? देखिए, लड़ाई तो हम आखिरी सांस तक भी लड़ते ही रहेंगे जब तक हम पूरा तौर पे हमें इंसाफ मिल नहीं जाता है। और कल जो उन्हें सज़ा हुई है, ये नाइंसाफ़ी की एक चरम सीमा है। किसी डोंगरपुर वाले प्रकरण में किसी FIR में आज़म साहब का नाम नहीं है, केवल चंद झूठे गवाह, जिन्हें मैं झूठा ही गवाह कहूँगी, उनकी गवाही का संज्ञान लेकर उन्हें जानबूझकर सज़ा कर दी गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो है साधना कर रहे हैं, 45 घंटे का जो है साधना कर रहे हैं, तो आप किस नज़र से देखती हैं, क्या चुनाव में कुछ इस सरकार होने वाला है? मैंने बताया नहीं, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। आप भी तकरीबन 8 महीने रामपुर की जेल में बंद रही जी, दो और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, दो जन सर्टिफिकेट मामले में मुझे मीडिया से भी शिकायत है। मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया अब भी, यानी मुकदमे के बाद भी, यही लिख रही है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। यहाँ मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ फर्जी नहीं है। एक गलती में सुधार करवाने की कोशिश की गई, बल्कि सुधार करवाया भी गया है। जो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बना था उसे निरस्त करवाया गया, उसके बाद ही जो असली लखनऊ से इशू किया हुआ जो जन्म प्रमाण पत्र था वो लगाया गया। तो कोई भी चीज़ इसमें फर्जी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और वक्त आने पर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो आपके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, तो उन मुकदमे को किस तरीके से देखें? देखिए, मुकदमे तो सारे झूठे फर्जी लिखे गए हैं। एक अधिकारी के यहाँ बुला कर रात को आधे आधे घंटे पर FIR लिखी गई हैं, और जो बेचारे अनपढ़ लोग थे गांवों के, उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए हैं और फिर वहीं लिखवाया गया है। उनसे नहीं बल्कि उसी अधिकारी के ऑफिस में जो लोग थे उन्होंने लिखी है FIR, आधे आधे घंटे पर FIR हुई। अच्छा, अभी कई केस चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या अगर इनकी लड़ाई जो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है? देखिए, जितनी भी लंबी हो या छोटी हो, लड़ाई है तो लड़ना ही है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित हुई राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जनपद सहारनपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपने सहारनपुर का नाम रोशन कर दिया। बता दें, 23 से 26 मई 2024 को लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सब जूनियर व जूनियर बालक बालिका राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सहारनपुर की टीम की तरफ से 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 36 किलोग्राम भार वर्ग में अक्षत पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित किया। इसी क्रम में 30 किलोग्राम भार वर्ग में वंश कुमार ने रजत पदक कब्जा किया। 33 किलोग्राम भार वर्ग में अदिति पाल ने कांस्य पदक जीता। 30 किलोग्राम भार वर्ग में मानसी ने कांस्य पदक जीता। 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुमारी अनु ने कांस्य पदक। 52 किलोग्राम भार वर्ग में प्रियांक ने कांस्य पदक जीता। टीम के जनपद आगमन पर डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों व कोच का स्वागत किया गया। निर्णायक की भूमिका में सोनवीर सिंह को बेस्ट रेफरी अवार्ड से नवाजा गया। टीम कोच की भूमिका अर्जुन सिंह ने निभाई। इस अवसर पर जिला वुशु संघ के अध्यक्ष अभय चौधरी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव, बाबू शिवनंदन यादव, रविकांत धीमान, जिला ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर संदीप गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, सीमा सैनी, रितु सैनी, रोहित पुंडीर आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना व जिला सचिव सहारनपुर वुशु संघ सोनवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, बच्चे आज सम्मान समारोह है स्टेडियम में, बच्चे कहाँ से जीत गए, कौन से खेल में जीत गए? ये एक बड़ी गर्व की बात है कि सहारनपुर के हमारे वुशु के खिलाड़ी अभी हाल ही में हुई लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर सहारनपुर की तरफ से गए थे, जिसमें इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने जीते हैं, और एसोसिएशन के द्वारा ये बच्चे यहाँ पर गए थे, और हो सकता है इसके अंदर इनका कैंप लगे और आगे जाके ये नेशनल जो गोल्ड आए हैं वो लोग नेशनल तक प्रतिभाग करें। प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी उन्होंने भाग लिया? प्रतियोगिता में ये सहारनपुर मंडल की तरफ से गए थे, सहारनपुर से खेले थे, पूरे हर ज़िला वहाँ के अंदर प्रतिभाग किया था, उसमें ये लोग गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। बच्चे स्टेट पर जीत गए, नेशनल के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप बच्चों से?
प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, वुशु हमारे यहाँ पूरा अच्छे से चल रहा है, हमारे सोनवीर जी यहाँ पे चलाते हैं, तो ज़रूरी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर पे मेडल पूर्व में भी लेते आए हैं और आगे भी जाके ये जीत कराएंगे। मैं सोनवीर सिंह, सचिव सहारनपुर वुशु संघ। ये खेल प्रतियोगिता सब जूनियर और जूनियर लेवल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 23 से 26 मई को आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से 500 खिलाड़ियों ने लगभग प्रतिभाग किया। जनपद सहारनपुर की टीम से 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 7 पदक लेके हम लोग लौटे हैं, जिनमें से हमारा 1 स्वर्ण पदक है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 कांस्य पदक हैं। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। लगभग 500 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी हमारे सहारनपुर के थे जिन्होंने प्रतिभाग किया था, उनमें से अक्षत पाल ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, वंश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, अदिति पाल ने सिल्वर मेडल जीता, मानसी ने भी कांस्य पदक जीता, प्रियांक ने कांस्य पदक जीता और एक बच्चा और है हमारा जो है देवांश, उसने भी। देखिए खिलाड़ी हमारे जनपद के हैं और हमारे जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं तो हमको तो अच्छा लगना ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जो स्टेडियम में हैं श्री अनिमेश सक्सेना जी, हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।